أؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وخطيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا إلهي تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ راہ وفا میں بڑھتا جا او قرب کی سیڑھی چڑھتا جا ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो झूठी दुनिया से मुंह मोड़ रब से और रब के हबीब से और रब के कुरान से अपना रिश्ता जोड़। कोई नहीं है, कोई नहीं है रब के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाईही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। मेरे नहायत मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद शरीफ साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सफ़ीर साहब, खलीफ़ा मजाज सैयद मुख्तारुद्दीन शाह साहब व मोहतरम बिरादरम जनाब ठेकेदार तालिब दीन साहब, जनाब मोहतरम ठेकेदार अमीर ख़ान साहब, मोहतरम जनाब इमामुद्दीन साहब, जनाब अतीकुर रहमान साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक साहब, इमाम मस्जिद हाजा, उलमाए कराम उस्ताद व कुर्रा उज़्ज़ाम बिरादरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। फिर खैर वाली मजलिस, बरकत वाली मजलिस, इज्जत अजमत शराफत करामत और रहमत वाली मजलिस अल्लाह ने अता फरमाई है। अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं अल्लाह जो कुछ कहें जो कुछ सुने अल्लाह इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे कहने और सुनने में इखलास और अपनी रजा भी अता फरमा। ए अल्लाह, उम्र में बरकतों के साथ औकात, रिज़्क, इज्जत, माल, जान, ईमान, इल्म और अमल साले में बरकतों के साथ अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पे फरमा। आज की ये तकरीब बासईद जो इस मस्जिद में मुनाक़िद है, इफ्तताही तकरीब है, बासईद है, और अभी जो मैंने हदीस मुबारक पढ़ी है, मन बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह का घर बनाया दुनिया में,
बनल्ला हो तो अल्लाह ने उसका घर जन्नत में बना दिया। माजी का सीखे उलमा बैठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इस रिश्वत से एक हदीस मुबारक जो शायद उलमा इकराम भी पहली मरतबा सुने, बड़ी अजीब हदीस मुबारक है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मिकाइल जब आप बारिश बरसाते हैं तो बारिश के कतरों को, बारिश के दानों को गिन गिन कर शुमार करके जमीन पर डालते हो, या जिस तरह छिड़काव किया जाता है थोक के हिसाब से डालते हो, आपका अंदाज क्या है? और ये भी आपके इल्म में हो, उलमा की मजलिस में बैठा करो मेरे भाई, इल्म दीन हासिल करो। आज हमने दुनिया के उलूम तो हासिल किए, वो फनून है, इल्म जो है वो कुरान और हदीस का, ये भी आपके इल्म में। और ये आपके इल्म में हो कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे वही है, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे ये समंदरों का चलाना, दरियाओं का बहाना, ये नहरें, ये पानी, ये हवाएं, ये बारिश का बरसाना, ये हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे रूह निकालना, और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर लेकर बैठे हैं जो क़यामत में सूर बजाएंगे। तो मैं बात कर रहा था हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम। मिकाइल बारिश के कतरे गिन गिन कर जमीन पर डालते हो या थोक के साथ? फरमाया जिब्राइल, अल्लाह की कसम उठाकर और अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब की कसम उठाकर कहता हूं, अगर एक ही वक्त में पूरी दुनिया पूरी जमीन पर मैं बारिश बरसाऊं तो जिब्राइल एक एक दाने को, एक एक कतरे को गिन गिन के शुमार करके जमीन पे डालता हूं, फिर कान लगाता हूं, उसके पहुंचने की जब आवाज आती है तो फिर यकीन करता हूं ये दाना पहुंच गया है बंदा नहीं। समझे? आप कहेंगे ये ऐसा हो सकता है? हो सकता है, रब तो कादिर है, रब की कुदरत पर आज हमें यकीन नहीं। काश के आज रब की कुदरत पर हमें यकीन होता, हमारी ये हालत न होती। दुकान पर यकीन है, मुलाजमत पर यकीन है, खेती बाड़ी पर यकीन है, लेकिन रब की कुदरत पर नहीं। नाराज ना, अपनी जान पर है लेकिन ईमान पर यकीन नहीं। अगर मैं इस मौजू पर बैठ जाऊं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वजूद कितना, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम का, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम का, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का, मलाइका का वजूद। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल आप अपनी असल शक्ल दिखाएं। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमान लगे, या रसूलल्लाह इस दुनिया में मेरी असल शक्ल आप नहीं दे सकते। जब अल्लाह मुझे आसमान दुनिया से नीचे भेजते हैं, मेरे वजूद को तंग कर देते हैं क्योंकि मेरा वजूद इस दुनिया में समा नहीं सकता। कह दो ना सुभान अल्लाह, ये कयामत के बाद ही पता चलेगा, मौत के बाद। जब आप मेराज पर तशरीफ ले गए, सिदरतुल मुंतहा पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक गए, आपके लिए रफ रफ लाई गई। जब आपको रफ रफ में बिठाया, रफ रफ उठने लगी, अल्लाह के यहां अर्श मुअल्ला पर जाने लगी, अल्लाह। तो उस वक्त अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कि अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की असल शक्ल देख लें, अब देख लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं जब देखा, फरमाया जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पांव तहत सरा में थे और सर सजदतुल मुंतहा पर था, अल्लाह। और वजूद की वसअत, अल्लाह।
मैं बात कर रहा था हजरत मीकाईल अलैहि सलाम। हदीस में आता है कि दुनिया के जितने समंदर हैं, पानी, दरिया, जितने नहरें, नमाज आज थोड़ी सी तखीर से पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वक्त पर पढ़ेंगे, वक्त पर इंशाल्लाह। जितने समंदर हैं हजरत मीकाईल अलैहि सलाम के सर पे डाल दिए जाए, रख न दिए जाए, डाल दिए जाए। फरमाया जब तू तेल लगाता है सर पे मालिश के लिए, तो यूं सर पे ले जाता है तो तेल का कतरा तेरे माथे तक आ सकता है, लेकिन पानी का कतरा हजरत मीकाईल अलैहि सलाम के माथे तक भी नहीं आ सकता। समझे कैसे हैं ये अल्लाह ही जानता है। तो मैं बात कर रहा था हजरत मीकाईल अलैहि सलाम की, फरमाने लगे जिब्राइल एक बात अर्ज करूं इस मस्जिद की निस्बत से, इस मस्जिद की निस्बत। फरमाओ जी मीकाईल बताओ। फरमाया जब उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह को उम्मती जब अजान देता है, अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ओ नमाज की तरफ आओ, ओ नमाज की तरफ आओ, हय्या अलल फला, ओ इज्जत की तरफ आओ, ओ कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह माना भी जाता हय्या अलल सला नमाज की तरफ, अल्लाह के घर की तरफ आ, हय्या अलल फला आप ये इज्जत वाला मकाम इज्जत वाले के सामने झुका दे, दिल्लत का इजहार तू कर। अल्लाह फरमाते इज्जत मैं अता कर दूंगा। हर इंसान चाहता है मुझे इज्जत मिले, पांच वक्त मेरा रब तुझे इज्जत के लिए बुलाता है, आ इज्जत हासिल कर, इज्जत हासिल कर। लेकिन एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ये भी तकब्बर की निशानी है। तकब्बर न कर। अब्बा बुला रहा है बेटा नहीं आता, ये तकब्बर है। अम्मी बुला रही नहीं आता, उस्ताद बुला रहा है, आलिम बुला रहा है, यहां तो अहकमुल हाकिमीन बुला रहे हैं। आ आ मेरे दर पे आ, सर सजदे झुका, मत रहमत ना रंगींदा हो। महबूब खुदा शाफी हर दो सरादियां खात्मा विच लिखींदा होवें, इतना गर्रा न थी मत मारा वने। ओ जेड़े गर्रे थे मारे गए, पा खसारे गए, विसारे गए, कुछ कर कर के आ कर तिजारत हुआ, जेड़ी देवी नफा मत मकबूला विच लिखींदा हो। सुन दे मकबूल बड़ काबिल है, मकबूल नहीं, काबिलियत है, जवान है, नमाज पढ़ सकता है, रोजा रख सकता है, लेकिन नहीं हज कर सकता, नहीं नहीं, असल में कबूलियत नहीं। अल्लाह काबिलियत के साथ कबूलियत भी अता फरमाते हैं, कबूलियत भी अता। बात तकब्बर की आई, एक शख्स नौजवान अपनी नौजवानी के ही मस्ती में जा रहा था, तकब्बराना अंदाज में एक अल्लाह वाले देख रहे थे, और अब दीन नसीहा, दीन नसीहत का नाम है, दीन नसीहत का नाम, अल्लाह वाले ने देखा। आप भी अल्लाह वालों के साथ खलीफ है मजाज है। हजरत को पिछले साल हमने बुलाया था, आए थे, तो अल्लाह वाले ने देखा नसीहत के तौर पर, ओ बेटा तार तार करीब आया, कहने लगा बेटा देख, अव्वलू का कतरतुन وَآخِرُكَ का جِيفَةٌ وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَهُمَا قِدْرَةٌ। तेरी इब्तदा नापाक पानी के कतरे से है, अगर तू मर जाए तीन दिन तक पड़ा रहे बदबू पैदा हो जाएगी, जीफा बन जाएगा, मुर्दार बन जाएगा। وَأَنْتَ تَحْمِلُ بَيْنَهُمَا قِدْرَةٌ
हर वक्त पेट में गंदगी लेकर चलता है, तकब्बर किस बात का? मुसलमानों तकब्बर मेरे रब की सिफत है, इंसान की नहीं, इंसान की नहीं। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अज़ीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। सुभानल्लाहि अम्मा युशरिकून। रब के साथ शिर्क न कर, तकब्बर न कर, तकब्बर न कर, अल्लाह को तकब्बर पसंद है। हाँ, अकीदा भी बनाओ मुसलमानों, अकीदा सही होगा अमल थोड़ा होगा निजात हो जाएगी। अकीदा गलत हो अमल पहाड़ों जितना क्यों न हो, अमल जितना पहाड़ों जितना क्यों न हो कामयाबी नहीं होगी। जैसा मुद्दार क्यों न बन जा, कैमुल्लैन क्यों न बन जा, तहज्जुद गुजार क्यों न बन जा, सहन काबा में क्यों न मर जा, रोजे नबी पर क्यों न मर जा, जन्नतुल बकी में दफन क्यों न हो जा, हाजी काजी निमादी तबलीगी क्यों न बन जा। अकीदा सही नहीं, अल्लाह की कसम जनती नहीं, जनती नहीं, जनती नहीं। सुन रहे, अकीदा, अकीदे पर बात आ गई। मुझे हजरत मुल्ला कारी शरीफ साहब याद दिलाना, हजरत जिब्रील मीकाईल अलैहिस्सलाम की बात याद दिलाना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, एक औरत, एक औरत हजरत की मुरीदिन थी, मुरीदिन शेख की खिदमत में आई, पर्दे के अंदर आई, पर्दे के अंदर, पर्दे के अंदर। अब तो पर्दा उठ गया। अकबर आला आबादी ने कहा ना, बेपर्द नजर आई मुझे चंद बीबियां। अकबर गैरत ईमानी से जमीन में गड़ गया, पूछा जो तुम्हारा पर्दा किधर गया? कहने लगी अकल के मर्दों पे पड़ गया। जी पर्दे के साथ खड़ी हजरत, जी जी मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरा खामन दूसरा निकाह करना चाहता है, दूसरी शादी करना चाहते है, उसको रोको, वो निकाह न करे, निकाह न करे, दूसरा निकाह न करे, शादी न करे। हजरत जवाब में फरमाते हैं, मेरी बहन जब अल्लाह उसको इजाजत दे, मैं कौन हूं उसको रोकूं? मसना वसुलासा वरुबा, दो निकाह करो तुम्हारी मर्जी, तीन करो, चार करो, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत है। लेकिन ये भी बता दूं, इजाजत और चीज है, कानून और चीज है। इजाजत है चार निकाह, कानून ये है। वइन खिफ्तुम अल्ला तअदिलु फवाहिदतन, खबरदार अगर अदल इंसाफ कायम नहीं कर सकता इन बीवियों में तो एक निकाह कर, दूसरा निकाह भी न कर, न कर। तो कहने लगी हजरत मेरे खामन को मना कर, फरमाए अल्लाह इजाजत दे तो मैं कौन हूं? फिर कहने लगी हजरत काश कि मुझे शरीयत इजाजत देती, मैं अपने चेहरे से कपड़ा उठाती, आप मेरा हुस्न जमाल देखते, आप खुद कह बैठते तेरे खामन को क्या हुआ, इतनी हसीन और जमील बीवी के होते हुए दूसरा निकाह करता है। ये बात सुनी हजरत चीख ली, यूं कांपने लगे उलमा बैठे, हजरत बात तो कोई खास है नहीं, उसने तो ये कहा कि अगर आप मेरा हुस्न जमाल देखते तो आप खुद कह बैठे तेरे खामन को क्या हुआ कि दूसरा निकाह करता है। उसने कहा नहीं आप समझे नहीं, समझे नहीं, इस औरत ने मेरे अल्लाह की तौहीद के जितने उकते मेरे अंदर थे वो सारे के सारे हल कर दिए। अल्लाह कैसे हजरत, तौहीद के उकते कैसे हल हुए? फरमाया यूं हल हुए, इसका हुसन, इस औरत का हुसन, इसका जमाल जाती नहीं, अताई है, बाकी नहीं, फानी है, मुस्तकिल नहीं, आर्जी है, आज है, कल नहीं। ये अपने हुसन पर अपना शरीक देखना गवारा नहीं कर सकती, वो खाले के हुसन अपना शरीक देखना कैसे गवारा करे?
समझे हो, शरीक न कर रब के साथ। मैं बात कर रहा था हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हैया अलैहिस्सलाम, आओ अल्लाह के घर की तरफ आओ। हयालन फला, आओ इज्जत पालो। पालो लेकिन हमने इनकार किया, तकबर किया। हजरत वालिदी अल करीम फरमाया करते थे, हमसे वो कुत्ता भी बेहतर जो मालिक का रूखा सूखा टुकड़ा खाता है। मालिक बब जब बुलाता है दौड़ते हुए मालिक के कदमों में सर रख देता है। मैंने तेरा रूखा सूखा टुकड़ा खाया हुआ था, उसका हक अदा कर रखा। अल्लाह, रात का वक्त ठंडी हवा चल रही है, सर्दी है, वो तेरे दर पर बैठा है, पहरा दे रखा है। खबरदार, कोई डाकू कोई चोर मेरे मालिक के मकान के करीब ना आए। गर्मी है वो बर्दाश्त कर रखा है, पांच पांच दिन तू उसको खाना न दे, लेकिन तेरे दर को वो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। तू क्यों गैरों के दर पर सर झुका रखा है, कभी सुन तो सही। कुत्ता भी बेहतर। जापान में एक प्रोफेसर था, काफिर था प्रोफेसर, कुत्ता पाला हुआ था उसने। सुबह के वक्त जब यूनिवर्सिटी में जाया करता था ना, रास्ते में रेलवे स्टेशन आता था, रेलवे स्टेशन तक कुत्ते को साथ ले जाता कई साल। जब रेल आती ये रेल में बैठ जाता, यूनिवर्सिटी चला जाता, फिर कुत्ते को इशारा करता जा घर जा, असर के वक्त आना मुझे ले जाना। जू ही असर के वक्त ये वापस आता, कुत्ता खड़ा होता इंतजार में, घर ले जाता कई साल। एक दिन ऐसा हुआ कि कुत्ते ने मालिक को छोड़ा, रेल में बैठ गया। असर के वक्त अब कुत्ता मालिक की इंतजार कर, रेल आई लेकिन मालिक नहीं आया। अब वो कुत्ता जो है कभी इधर दौड़े कभी इधर दौड़े, इधर मालिक है नहीं। रेल भी निकल गई, लोग भी स्टेशन फारिग कर गए, अब ये कुत्ता रोता हुआ घर जा रहा है। अल्लाह, न खाता है न पीता है, बैठे। मालिक के जो रिश्तेदार थे खानदान वाले, उन्होंने क्या बला पड़ गई है, मालिक भी नहीं आया, प्रोफेसर भी नहीं आया, ये भी रो रहा है। मालूम हुआ कि प्रोफेसर साहब वहीं मर गया है, यूनिवर्सिटी के अंदर फौत हो मर गया है, काफिर था। मुसलमान अगर उसको फौत होना कहा जाए, मुसलमान फौत हुआ है, अल्लाह को प्यारा हुआ है, मुतवफी बन गया है, मरहूम हो गया है, अल्लाह की रहमतों में आ गया है, समझे। काफिर मर गया है, मर गया है। उसकी तजहीद तकफीन तो उन्होंने कर दी, अब वो कुत्ता हर रोज असर के वक्त मालिक इंतजार में रेल के लिए खड़ा है, रेल आती वो कुत्ता इधर दौड़ता उधर दौड़ता, फिर वापस घर चला जाता। तकरीबन 9 साल तक वो कुत्ता मालिक का इंतजार करता रहा, 9 साल तक। एक दिन ऐसा हुआ रेल आई, ये दौड़ा कभी इधर कभी उधर, जब मालिक नहीं मिला, कुत्ते ने यूं देखा, फिर जमीन पर गिरा, मर गया। प्रोफेसर के रिश्तेदारों ने इसकी वफादारी पर इसी कुत्ते की शक्ल का एक बहुत बड़ा बुत जापान में बनाया, रेलवे स्टेशन पर। आज तक वो बड़ा बुत कायम है, आज तक वो कायम है। हर असर के बाद प्रोफेसर के खानदान वाले आते हैं और उसके गले में हार डालते हैं, कुत्ता तूने मालिक के साथ वफा की थी, हम तेरे साथ वफा करें, काश हम भी मालिक के साथ वफा करने वाले बन जाते हैं। आए आए, हम भी मालिक के साथ वफा करते। बहरहाल ये मैं हैया अलल सला, आओ नमाज पर, रब बुला रहा है, हैया अलल फला। तो कहने लगे जिब्राइल, बात बताऊं? फरमाए हां जरूर बताओ। कि जिस वक्त मुअज्जिन अजान दे देता है, इकामत शुरू हो जाती है, सुनो मुसलमानों
اللہ ہمیں نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد آباد کرو گے اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد کریں گے, ہماری قبریں بھی آباد فرمائیں گے, ہماری جنت بھی آباد فرمائیں گے. جبرائیل جس وقت اقامت شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جبرائیل قد قامت الصلاة لے کر امام کے تکبیر تحریمہ تک اللہ اکبر جب کہتا ہے جبرائیل, رب محمد کی قسم اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے اتنی برستی ہے اتنی آتی ہے زمین پر, اسی مسجد کے اندر چھوٹی سی مسجد کیوں نہ ہو, پانچ آدمی کیوں نہ کھڑے ہوں, اتنی رحمت برستی ہے. کئی مرتبہ میں نے کوشش کی اس رحمت کو شمار کروں لیکن آج تک میں شمار نہیں کر سکا. سمجھے ہو, اس وقت قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے. اپنے آپ کو محروم نہ کر, تکبیر تحریمہ میں شریک ہو جایا کر, یہ مساجد آباد کر. اللہ تیرے گھروں کو تیرے دل کو تیرے ایمان کو آباد کریں گے, آباد فرمائیں گے, سکون قلب عطا فرمائیں گے. ورکعو مع الراکعین, اسی میں ہے اللہ. سمجھے ہو, یہ موضوع تو خیر مسجد کی نسبت سے میں نے, جنہوں نے مسجد بنائی, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, بیتا فی الجنہ. امام محمد کا زمانہ تھا, یہ اللہ کے گھر ہیں. بیٹے خاموش, مسجد پر بات کرتا جاؤ. ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ کو کھانا کھا رہے, کھانے کے دوران آپس میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا, آج شام تک تو میری سلطنت سے نہیں نکلے گی, سن تو تجھے طلاق ہو جائے گی, مجھ سے بالکل فارغ ہے تو طلاق ہے شام تک. سلطنت اتنی بڑی سلطنت, اللہ, کہاں مصر سے لے کر افغانستان کی سرحد, اتنی بڑی سلطنت میں کون نکل سکتا ہے؟ ہوائی جہاز تو تھے نہیں اس زمانے میں, گاڑی موٹر کار تو تھی نہیں, موٹر سائیکل تو تھا نہیں. اب ہارون بات تو کر بیٹھا, اب پریشان, علماء کی خدمت میں گیا. آہا, یہ بادشاہ اچھے تھے, اچھے تھے, علماء کی خدمت میں جایا کرتے تھے. اب تو جو بھی آیا ہے بس اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. میں نے اس حالات کو, حالات کی وجہ سے اس موضوع کو چھوڑا ہوا ہے کیونکہ میں چلا جاتا ہوں تو پھر قاری شریف صاحب جیل میں پہنچ جائیں گے, اس وجہ سے میں خاموش رہتا ہوں, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک عالم کی خدمت میں دوسرے, حضرات میں نے یہ بات کی اپنی بیوی سے, کوئی مسئلہ بتلاؤ. ہر ایک نے کہا اگر وہ نہیں نکل گئی تو طلاق تو ہو گئی, اور اتنی بڑی سلطنت کیسے نکل سکتی ہے؟ امام محمد جیل میں تھے, امام محمد جیل میں تھے رحمت اللہ. امام محمد کو بلایا گیا کہ یہ شاید حل کر سکیں گے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام ہمارے امام کے شاگرد ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ان کے شاگرد. اور ایک بات بات کرتا جاؤں, امام ابو حنیفہ صبح کی نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے تو ساتھ پڑوس میں ایک مخالف شخص جب بھی امام صاحب کو دیتا گالیاں بکتا تھا, گالیاں دیتا, گالیاں دیتا, گالیاں دیتا, اور امام صاحب خاموش ہو سنتے تھے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. کوئی جہل کسی کے ساتھ تمہارا واسطہ پڑ جائے, گالیاں دینے لگے, تم خاموش ہو,
بلکہ خیر کی بات کر کے اپنی جان چھوڑا۔ اب امام صاحب نکل رہے ہیں، وہ گالیاں دیتا جا رہا ہے، گالیاں دیتا جا رہا ہے۔ امام صاحب سنتے 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 یہاں تک کہ گھر کے دروازے تک پہنچ گئے، وہ گالیاں دے رہا ہے۔ اب امام صاحب گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، وہ میرا بھائی اب تیری باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ ابھی باقی ہیں؟ اگر باقی ہیں تو میں کھڑا ہوں اور بھی سنا دے، اگر ختم ہو گئی ہیں تو مجھے اجازت دے، میں اندر جاتا ہوں۔ جو ہی اس نے یہ بات، دوڑا امام صاحب کے پاؤں پہ گر گیا، حضرات اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، اب تو امی کو گالیاں دیتا ہے، اگر تھوڑا سا غصہ کرے ابا کو گالیاں دیتا ہے۔ خدا کا واسطہ، نوجوانوں، نوجوان بیٹھے ہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ایک وقت آئے گا ابا بوڑھا ہو جائے گا، امی بوڑھی ہو جائے گی، چچڑا پن آ جائے گا، ہر بات پر روک ٹوک ہوگی، کدھر گیا تھا، کیوں گیا تھا، کس لیے گیا تھا۔ خبردار، یہاں غصے کے لہجے میں، غصے کی نگاہ سے ابا سے بات نہ کرنا، امی سے بات نہ کرنا۔ فرش پر ابا راضی ہے، عرش پر اللہ راضی ہے، فرش پر ابا اور اما ناراض، عرش پر اللہ بھی ناراض۔ سن لو، سن لو، لیکن ہم نے دین نہیں سیکھا، کاش کہ ہم دین سیکھتے۔ اس موضوع کو بڑا لمبا موضوع ہے، عرض کرتا جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی تھی، 6 سال، 6 سال، لیکن نبی تھے، لیکن نبی تھے، نبی تھے۔ بات آ گئی تو حدیث، یہ بھی علماء کو سناتا جاؤں، آپ بھی سن لیں، علماء کی خدمت میں شاید پہلی مرتبہ، شاید پہلی مرتبہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا، جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی علم نہیں، بہت وسیع ہے، بہت لمبی، بہت لمبی، کوئی پتہ نہیں کتنی ہے، کتنی ہے، لیکن اندازہ بتا دیتا۔ پھر میں بتا دوں اندازہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اللہ نے آسمان کو قائم نہیں کیا تھا، زمین کو نہیں بچھایا تھا، سمندر نہیں چلائے تھے، دریا نہیں چلائے تھے، حضرت آدم کو پیدا بھی نہیں فرمایا تھا، سورج چاند بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ایک ستارہ آیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو نمودار کرتے تھے، کچھ وقت کے لیے چمکتا تھا، پھر غائب ہو جاتا، پھر 70 سال کے بعد پھر آتا، پھر چمکتا، پھر غائب ہو جاتا۔ اے اللہ کے نبی، پھر 70 سال کے بعد آتا، پھر غائب، پھر 70 سال کے بعد پھر غائب۔ اے اللہ کے نبی، اس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ، کتنی عمر ہوگی رب ہی جانتا۔ اللہ کے نبی مسکرا پڑے، فرمایا جبرائیل معلوم ہے وہ ستارہ کون تھا؟ فرمایا نہیں، فرمایا وہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا۔ اللہ، سمجھے، وہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور۔ تو میں کہہ رہا تھا 6 سال کی عمر، ابھی نبی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امی لے کر آئی تھی نا، پہلے پہلے ابھی پیدا ہوئے تھے نا، تو قوم نے کیا کہا، لقد جئت شيئا، لقد جئت شيئا فريا، کیا لے کر آئی ہوں یا اخت ہارون، ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا، تیرا ابا بھی صالح نیک، تیری امی بھی، تو کہاں سے لے کر آ گئی مریم لے کر کھڑی۔ حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو، اللہ فرمانے لگے، فاشارت الیہ، اس بیٹے کی طرف اشارہ تو کر دے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، او مریم کیسی بات کر رہی ہے، ابھی تو پیدا ہوا، تو اشارہ کرتی ہے، اسے پوچھ لو یہ کیسے بات کر سکتا، ابھی یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ فوراً بول پڑے، قال انی عبد اللہ،
मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब, मुझे इंजील भी दे दी गई है। वजअलनी नबिया, अल्लाह ने नबी भी मुझे बना दिया। अल्लाह अभी आए, अभी अब अल्लाह के नबी 6 साल की उम्र अम्मी लेकर गई अब्बा की कब्र पर मदीना तैयबा में। सुनो नौजवानों, जू ही अल्लाह के नबी अपने अब्बा की कब्र पर खड़े हुए, आंखों से आंसू जारी हैं, आंसू से अब्बा की कब्र तर हो गई। लेकिन आज हमें अब्बा और अम्मा की कब्र पर जाने का वक्त भी नहीं। जाया करो मुसलमानों, अल्लाह ने खुद तुम्हें दुआ बतला दी, बतला भी खुद रहे हैं, कबूल भी खुद फरमा रहे हैं। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह जब मैं छोटा हुआ करता ये रहम करते, शफकत करते, मोहब्बत करते, खिदमत करते, अल्लाह ये तेरे पास है, तू इन पर अपनी रहमत करने वाला, मगफरत करने वाला बन जा। दुआ भी खुद बतला रही है, कबूल भी खुद फरमा रही है। हाय कितना करीम रब तुम्हारा, नमाज तू पढ़ रखा है, फर्द है, सुनते हैं, वाजिब है। जब तू कहते रब्बी जालनी मुकीम सला, अल्लाह फरमाते हाँ हाँ, अपने लिए भी दुआ करके अल्लाह मुझे भी नमाजी बना, लेकिन अपनी औलाद की भी फिक्र कर। फिर ये लफ्ज़ भी तू कह दे रब्बी जालनी मुकीम सलाति व मिन ज़ुर्रियती, हाँ अल्लाह मेरी औलाद को भी नमाजी बना। फिर अल्लाह फरमाते हैं अपने वालदैन को भी न भूल। वमिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना फिरली वली वाली दैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालदैन को भी बख्श देना। वलिल मोमिनी मोमना, सारों को बख्श दे। कितना करीम, इस करीम के दर पे तो नहीं आता। मैं बात कर रहा था इमाम मोहम्मद के दरमियान में बात, हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र, वापसी पर हजरत आमना रजी अल्लाहु अन्हा जब अव्वा के मकाम पर पहुंची, हालत ऐसी बन गई कि जिंदगी की उम्मीद खत्म हुई। अब हजरत आमना अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में सर रख देती, अल्लाह यतीम बेटा तेरे सहारे छोड़ के जा रही हूँ, अल्लाह अल्लाह तू इसका सहारा बन। उम्मे ऐमन फरमाती है आपकी आंखों में आंसू जारी है, हजरत आमना के चेहरे पे पड़ रही थी। थोड़ी देर के बाद हजरत आमना फौत हो गई। अब अल्लाह के नबी अम्मा के चेहरे को बोसा भी देते हैं, रोते भी हैं। थोड़ी देर के बाद कब्र बनी, हमने कब्र में रख दिया। अब अल्लाह के नबी ने छलांग लगाई कब्र में, अम्मी को लिपट गए, अम्मी मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही। काफी देर तक अम्मी के साथ लिपटे रखे हमने, किसी तरीके से अल्लाह के नबी को बहर लेकर आए, कब्र बंद की। काफिला हमारा रवाना हुआ, दूर गए, फिर अल्लाह के नबी पीछे की तरफ अम्मी की कब्र की तरफ दौड़े। अम्मी की कब्र के सरहाने यूं अपने रुखसार रख दिए, फरमाया अम्मी आज के बाद मैं किसको अम्मी कहूं। तबकात साथ ने लिखा है जब भी अल्लाह के नबी मदीना से सफर फरमाते, सहाबा से फरमाते, सहाबा की जमात वही रास्ता लेंगे जहां मेरी अम्मी की कब्र है। अम्मी की कब्र के करीब आने लगते आपकी आंखों में आंसू जारी हो जाते,
आप अम्मी की कब्र के सिरहाने यूं हाथ रख दिया, फरमाते आंखों में आंखों जारी हो बाद मर्तबा इस हाल में अल्लाह के नबी। तबका साथ लिखता इतनी कसरत से सहाबा को, नबी के साथ आंखों में आंसू बहाता नहीं देखा, अगर देखा है तो हजरत आमना की कब्र पर देखा। ओ नौजवानों ख्याल करो, मैं बात कर रहा था, मेरी बात कहां थी, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जकड़े हुए अल्लाह, और जिसने हक कहा उस पर तकलीफ आई, मुसीबत आई, उसने जेल का दरवाजा देखा, हथकड़ियां पहनी, बच्चों को यतीम कराया, बीवियों को बेवा कराया, खून में लथपथ हुए, घर से बेघर हुए, हक के झंडे को बुलंद कर गए दुनिया में। हर नबी पर इम्तिहान अजमाए, सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन, अइमे मुजाहिदीन, सुल्तानीन, उलमा, औलिया, अतिया, सुलहा, मुसलमानों ये अल्लाह का दीन हमें मुफ्त में नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ये कुरान मुफ्त में नहीं मिला, नबी का फरमान मुफ्त में नहीं मिला। तारीख उठाकर देखो, पहलवानों की तारीख पढ़ने वालों, सियासी लीडरों की तारीख पढ़ने वालों, क्रिकेट के खिलाड़ियों की तारीख पढ़ने वालों, नबूवत की तारीख पढ़ो तो सही, सहाबा की तारीख उठाओ तो सही, ताबईन तबे ताबईन उलमा की तारीखें पढ़ो तो सही, शामली के मैदानों को पढ़ो, माता की जैलों को पढ़ो, हाय किस किस तरफ जाएं, लाहौर की दर दीवारों से पूछो, सर्दी के मौसम में ठंडी हवा चल रही है, रात का वक्त है, बर्फ पर लिटाया जा रहा है, मारती जा रही है, पूछो कौन था, वो अहमद अली लाहौरी था। डॉक्टर कहते हैं मरता क्यों नहीं है, वो अंग्रेज अफसर कहने लगा हम खुद हैरान हैं ये मरता क्यों नहीं, सर्दी है, बर्फ का बिल ब्लॉक है, लेटा हुआ है। तो हजरत लाहौरी सुन रहे थे, डॉक्टर जब मैं बर्फ के ब्लॉक पर लेटने लगता हूं तो मेरी जबान पर जारी होते अल्लाह 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 अल्लाह, कहो अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ डॉक्टर, जब मैं अल्लाह का लफ्ज कहता हूं मेरा ईमान भी ताजा होता है, मेरी जान भी ताजा होती है। अल्लाह, घर में अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, शादी अताउल्लाह शाह बुखारी की तारीफ उठा तो सही, हुसैन अहमद मदनी जब सर पे कफन बांध कर गए जज के सामने खड़े हैं, फतवा दिया था, हाँ दिया है, देता हूं दूंगा, फरमाया मर तो सकता हूं, कट तो सकता हूं, अपना फतवा वापस नहीं ले सकता। वो हुसैन मदनी कौन था, कुरान पढ़ रहे थे, ये कुरान की तकरीब बासईद भी है, बच्चे ने अभी खत्म किया, जेल के अंदर कुरान सुना, सर्दियों का मौसम, सुपरिटेंडेंट जेल दौड़ता हुआ है, शाहजी से कहने लगा रात का वक्त है, ओ मेरे शाहजी बस कर आधी रात हो चुकी है, तू कुरान की तिलावत कर रखा है, शादी कैदी अपने खिड़कियों में यूं कान लगा कर तेरा कुरान सुन रही, मेरी बीवी हिंदू मैं हिंदू मेरी औलाद हिंदू, चाची तेरा कुरान सुनकर ईमान ला चुके हैं, अब भी इस वक्त मेरी बीवी बच्चे छत पर खड़े हैं, सर्दी है ठंडी हवा चल रही है, तू कुरान पढ़ रखा है सुन रही, शाजी काश के तू ईमानों में कुरान सुनाता, मुल्तान के किले पर कुरान सुनाता, मस्जिद के मिंबर मेहराब पर कुरान सुनाता, मैदानों में कुरान सुनाता। शाजी जवाब में फरमाते हैं ओ सुपरिटेंडेंट साहब, इंशाअल्लाह वक्त आएगा
ईवानों में सुनाऊंगा, मैदानों में सुनाऊंगा, मस्जिद के मिंबर मेहराब में सुनाऊंगा, मौत के वक्त मेरी ज़बान पर कुरान की तिलावत जारी होगी, कब्र में भी कुरान की तिलावत करूंगा, महशर के मैदान में जब आने लगूंगा अपने नाना की खिदमत में कुरान पढ़ते हुए हाजिरी दूंगा। अल्लाह शादी की बात आई तो सुना दूं, खैरुल मदारिस में तशरीफ फरमा थे, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी साहब भी बैठे थे, मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी साहब भी बैठे थे, चूड़ा सफाई करने के लिए, उस वक्त ये फ्लश सिस्टम नहीं हुआ करता था, चूल्हे वाले ये लेटरीन हुआ करते थे, वो चूड़ा अपना छब्बा लेकर सफाई का ऊपर से लेटरीन से आ रहा था, शाहजी खाना खा रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी बैठे हैं, हजरत मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी, शाहजी ने देख लिया कि वो चूड़ा देख रहा है, जू ही चूड़ा निकलने लगा, शाहजी पीछे दौड़े, ओ भाई रुक जा, रुक उसको रोक, छब्बा उधर रख, दूर रखा, गंदगी का छब्बा वो रखवाया, ले आए लोटा हाथ में लिया, साबुन ले लिया, हाँ बेटा हाथ धो ले, हाथ धुला रहे, वो कहते शाहजी काम तो जाने, शाहजी मैं चूड़ा हूं, हाँ भाई इंसान है तू, हाथ धो हाथ धो, शाहजी हाथ धुले साबुन के साथ, खाने में साथ दस्तरखान पर बैठा, बैठ वो हाथ नहीं बढ़ा रहा था, खा भाई नहीं खा, शाहजी मैं चूड़ा हूं, शाहजी ने खुद लुकमा तोड़ा उसके मुंह में दिया, फिर दूसरा तीसरा, यहां तक एक आलू निकाला, भाई को चक लगा, जब उसने चक लगाया आधा आलू बचा, शाहजी ने खुद खा लिया, पानी का गिलास दिया, पी आधा गिलास उसको पिलाया, आधा जो पानी बचा हुआ था शाहजी ने खुद पी लिया, खाना खाने के बाद तू जा सकते हैं, जा घर गए, दोपहर का वक्त है, अपने बेटे अताउल मुनिम से कहा, हाफिज जी कोई दरवाजा खटके, तू दरवाजे पर न जाना, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं जाऊंगा, थोड़ी देर के बाद दरवाजा खटका, अताउल मुनिम कहा बाजी दरवाजा खटक रहा है, शाहजी निकले, अल्लाह अल्लाह तू इन्हें भेज दिया, जल्दी भेज, दरवाजे पर पहुंचे वो चूड़ा गुसल करके कपड़े पहनकर अपने घर वालों को साथ लेकर, शाहजी जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है उस नबी का मुझे भी कलमा पढ़ा दे, ये अल्लाह वाले थे, ये अल्लाह वाले थे, अब तो बस कहां तलाश करेंगे, मैं अर्ज कर रहा था मेरी बात कहां थी, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद पर बात हो रही थी, मस्जिद पर, अब हारून रशीद मोहम्मद मैंने बीवी से ये लफ्ज कहे अगर शाम तक ना निकली तो तू तलाक हो जाए, इसका कोई हल है, फरमाया हल है, तो शाम होने वाली है जल्दी करो, जल्दी करो कोई हल बताओ, शाम हो जाएगी, फरमाया हल है, तू बैठ आराम से बैठ, क्योंकि जकड़े हुए थे, पहले मुझे उधर बैठा अपने तख्त पर, अल्लाह अपने तख्त पर बैठा, मेरी जंजीरें खोल, जंजीरें खुलवा, तख्त पर बैठ गए, अल्लाह पूछ क्या पूछ रहा, मैंने कहा था कि अगर इशा तक मगरिब तक न निकली, मगरिब तक न निकली, सूरज गुरूब होने तक न निकली तो तू तलाक हो जाएगी, मेरी सल्तनत से निकल जा, अब मेरी सल्तनत इतनी वसी है, ओ किधर से किधर पहुंची हुई, कैसे निकल सकती है, फरमाया हाँ निकल सकती है, मोहल्ले में मस्जिद है, फरमाया हाँ मस्जिद है, फरमाया जल्दी कर किसी नुकरानी को साथ इसके साथ भेज दे, अपनी बीवी को मस्जिद में रात गुजार दे, सुबह तुम्हारे पास आ जाएगी, जल्दी भेज दे, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह लिल्लाह लिल्लाह, ये मसाजिद अल्लाह के घर है, किसी की सल्तनत में नहीं आए, किसी की सल्तनत नहीं, वअन्नल मसाजिद फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मसाजिद में सिर्फ अल्लाह ही की इबादत होगी, बादशाह की नहीं, अल्लाह ही के हुक्म की तामील होगी, वक्त ज्यादा
अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ऐसा है कि अभी बच्चे ने कुरान करीम सुनाया आपको, अल्लाह हमारे बच्चों को भी हाफिज़ करे। आखिर इनका ये भी मौजू है, मुझे दिया गया था। इस पर एक बात करते हुए बात को मुकम्मल करें। एक बादशाह था, एक आलिम की खिदमत में गए बादशाह। हाँ, आलिम की खिदमत में। हजरत कोई ऐसी हदीस मुबारक मुझे सुनाओ कि मेरा दिल खुश हो जाए। इस बच्चे की जिस पर से मैं सुना रहा हूं ये हदीस, कोई हदीस मुबारक सुना रहा। उस आलिम ने कहा बैठ। अब बादशाह का बेटा भी साथ है, जवान बेटा साथ है। अब वो आलिम हदीस सुनाने लगे कि हदीस मुबारक में आता है जब हाफिज कुरान, कारी उल कुरान, आलिम कुरान, तालिब कुरान महशर के मैदान में खड़ा होगा तो उस हाफिज कुरान के जितने करीबी रिश्तेदार, चचा है, मामू है, चचादार भाई है, मामूजाद भाई है, उसका अपना भाई है, बहन है, अब्बा है, अम्मी है, दादा है, नाना है, दादी है, नानी है, जितने करीबी रिश्तेदार हैं उस हाफिज कुरान की बरकत से, उस आलिम कुरान की बरकत से अल्लाह महशर के मैदान की जो गर्मी होगी इन तमाम रिश्तेदारों को उसकी बरकत से बचा लेंगे। अल्लाह बादशाह ने सब ये बात सुनी, फौरन सोचने लगा ओहो मेरे रिश्तेदार में तो कुरूजी कोई ना भतीजा है, ना भांजा है, ना मामू मेरा है, ना चचा मेरा है हाफिज कुरान, ना मेरा बेटा हाफिज कुरान, मैं तो महरूम हो गया। रो पड़े। सुन लो हजरत कारी साहब, ये वाक्य बड़ा अजीब है, इसको सुन के जाना। सुनते रहो, बहुत प्यारा। अब बादशाह घर में आया, बेटा भी ये हदीस सुन के आया था, नौजवान है, शहजादा है, बड़ा बड़ी उम्र का। अब्बा से कहने लगा अब्बा जी फलां इलाके में जो हमारी जमीन पड़ी है बहुत ज्यादा है, आज तक कोई पता नहीं कई साल गुजर गए कितनी आमद है, कितना खर्च है, क्या है क्या नहीं, अगर मुझे इजाजत दे तो 5-6 महीने उधर गुजार दूं, जमीन को संभाल लूं, जो कुछ है लेकर आ जाऊं। अब्बा ने इजाजत दे दी, जाओ। अब बेटा गया, महल से निकला, मोहल्ले वाली मस्जिद में हजरत कारी शरीफ से बैठे थे, दूसरे शोहर कुर्रा बैठे। हजरत जी मैंने फलां बस्ती में फलां इलाके में जाना है, मेरी जमीन है, आप मेरे साथ चलें और मैं मुआवजा दूं। एक कारी साहब के आप जब वहां पहुंचे तो वो शहजादा रोकर कहने लगा कारी साहब मैं यहां जमीन के लिए नहीं आया, मैं मोहम्मद के दीन के लिए आया। कारी साहब मैं माल बनाने के लिए नहीं आया, मैं ईमान बनाने के लिए आया, कुरान बनाने के लिए आया, दौलत कमाने के लिए नहीं आया, अमानत दयानत और कुरान की हिफाजत बनाने के लिए आया, मुझे आप कुरान पढ़ाएं। कारी साहब ने कुरान शुरू करा दिया उसको। 6 महीने के अरसे में वो शदादा हाफिज कुरान बन गया। अल्लाह वाला कद कुरान लिज़िक्री फ़हल मिन मुद्दकिर। ओ दुनिया वालों हमने कुरान को तुम्हारे लिए आसान कर दिया आसान, हालांकि बड़ा मुश्किल था। आओ कोई मेहनत करने वाला हम रहमत कर देंगे, दिल में बिठा देंगे। मेहनत कर तो सही, कोशिश कर तो सही, हम दिल में बिठा दें। 6 महीने में कुरान याद करने के बाद वो शहजादा अपने घर की तरफ, अपनी बस्ती की तरफ, शहर की तरफ आ रहा है। जूं ही अपने शहर में पहुंचा, मगरिब हो चुकी थी, हर तरफ आवाज थी मुबारक हो रमजान का चांद नजर आ गया, रमजान का चांद नजर आ गया, मुबारक हो। अल्लाह की कसम आज हम जब ये लफ्ज कहा जाता है रमजान का चांद नजर आ गया, हमारे चेहरे पर 12 बज जाते हैं, कैसे रोजा रखेंगे गर्मी में आए, ये तो जुल्म है,
खबरदार रब को ज़ालिम मत कहो, रब तो रहमान है, रहीम है, करीम है। हाँ तू इस गर्मी को बर्दाश्त कर, कल जहन्नम की गर्मी से अल्लाह तुझे महफूज फरमा देंगे। आज इस रोजे के साथ इस प्यास को तू बर्दाश्त कर, कल हो देखो सर पर तेरी प्यास मेरा रब बुझा देगा। चांद नजर आ गया, बेटा पहुंच गया अब्बा की खिदमत में। अब्बा उठ के मिले बेटा, 6 महीने हो गए, अभी रात शुरू हो गई, इशा की नमाज होने वाली। अब्बा आज तरह भी मैं पढ़ाऊंगा। बेटा मैं तो हाफिज कुरान, कारियुल कुरान के पीछे तरह भी अदा करूंगा। वो तरावी पढ़ेगा बगैर हिफ्ज़े कुरान के, मैं तरावी किसी गैर के साथ नहीं पढ़ सकता। अब्बा इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। अब्बा ने इजाजत दे दी। रमजान की पहली रात, अब बेटा मुसल्ले पे खड़ा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन। दूसरी रात यकूलु सुफहाउ मिनन्नास मा वल्लाहुम। तीसरी रात तिल्का रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। चौथी रात लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। वल मुहसनातु मिनन निसा ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू मिनल क़ौल إِلَّا مَنْ ظُلِمْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ رات 30 راتیں گزرتی گئیں، تیس کی رات ہے رمضان کی، 30 کی رات ہے۔ یہ بیٹا کھڑا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ۔ ادھر رمضان مکمل ہوا، ادھر پورا قرآن مکمل من ہوا، ایک غلطی تک بھی قرآن میں شہزادے کو نہیں آئی۔ اللہ اللہ، ابا نے جب دیکھا یہ منظر دیکھا، رویا، رونے کے بعد آسمان کو دیکھ کر کے دیتا، تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ دو تاج پہنا ہوا تھا ابا نے، بیٹے کے سر پہ تاج رکھا، بیٹا میں تیرا ابا بادشاہ ہوں، دنیا کا، دنیا کا تاج تیرے سر پہ رکھ رہا ہوں، اور تیری برکت سے، تیرے نبی کا ارشاد، میرے نبی کا ارشاد، محشر کے میدان میں تیری برکت سے اللہ نے جنت کا تاج مجھے پہنانا، میں جنت کا تاج پہنا۔ یہ موضوع بھی انتہائی طویل، وقت کی قلت، وقت قلیل ہے، موضوع انتہائی طویل ہے، شہر میرا ڈیرہ اسماعیل ہے، نام میرا قاری خلیل ہے، اور یہ مجلس بھی کافی جمیل ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھی علیل ہے، تو انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اللہ کے فضل۔ اور اسلام کا دشمن ذلیل ہے، کہہ دو، قرآن کا دشمن ذلیل ہے، خوار ہے۔ پھر کہاں گئے قاری صاحب؟ ابھی دعا کر لیتے ہیں جی، آپ کو بھی کر ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ اے کریم رحیم اللہ، جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اس کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص، اپنی رضا عطا فرما۔ اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں دور فرما، تکلیفیں دور فرما۔ اے کریم رحیم اللہ، اس مسجد کو آباد اور شاد فرما۔
ऐ अल्लाह जिन्होंने ये मस्जिद बनाई तूने इनके लिए जन्नत के महल्लात बना दिए। अल्लाह सब मुसलमानों को तौफीक अता फरमा तेरे घरों को आबाद करें, इसकी बरकत से हमारे घरों को भी आबाद फरमा, हमारी कब्रों को भी आबाद फरमा। अल्लाह हमारी जन्नत भी आबाद फरमा, शाद फरमा। ऐ करीम रहीम अल्लाह, जिस बच्चे ने कुरान करीम तकमील तक पहुँचाया, जिस बच्ची ने पहुँचाया, अल्लाह इनके उम्रों में बरकत फरमा, इनके वालदैन की उम्रों में, इनके घरों में बरकतें रहमतें अता फरमा। अल्लाह औकात में बरकत अता फरमा, रिज़्क़ और इज्जत में, माल जान ईमान में बरकतें अता फरमा। ऐ करीम रहीम अल्लाह हमारे बच्चों को भी हाफिज़े कुरान, क़ारियों कुरान, आलिम कुरान, तालिबे कुरान बना। ऐ करीम रहीम अल्लाह जिन्होंने इस जलसे का अहतमाम किया, अल्लाह इनकी उम्र में, इनके इल्म और हिकमत में मज़ीद बरकतें अता फरमा। अल्लाह ये तेरे बंदे तेरे घर में तेरे मेहमान बनकर आए, तू मेज़बान है अल्लाह, हर मेहरबान की ये तमन्ना है कि मेहमान खुश हो के जाए। अल्लाह ये हाथ उठा के बैठे हैं, झोली फैला के बैठे हैं, आंखों में आंसू बहा के बैठे, अल्लाह कबूल फरमा दे, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह इनके बैठने को कबूल फरमा, इनके सुनने को कबूल फरमा, अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ करीम रहीम अल्लाह हमने भी घरों में कुरान पढ़ने वाला बना, नमाज़ें अदा करने वाला बना, अल्लाह अपना जिक्र करने वाला बना, कलमे का विर्द करने वाला बना, नबी पर दुरूद पढ़ने वाला बना। ऐ अल्लाह हमारे घरों में अपनी रहमतें बरसा, अपने फजल करम अता फरमा। अल्लाह आज शैतान ने डेरे लगा दिए, रहमान तूने डेरे उठा लिए, अल्लाह हमारे घरों में तू रहमान अपनी रहमत के डेरे लगा दे, अपने फजलो करम के डेरे लगा दे। अल्लाह अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामना अजला नसीब फरमा, छोटे हैं बड़े हैं, मर्द हैं औरतें हैं, हस्पतालों में हैं, घरों में हैं, रूहानी बीमार जिस्मानी बीमार, अल्लाह सब कुछ सेहत कामला शिफा कामला आजला नसीब फरमा। अल्लाह शिफा कामला आजला नसीब फरमा दे। अल्लाह जो कब्रों में सो गए उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना। अल्लाह जहन्नम के घड़ों से महफूज फरमा, कब्र की तारीखियों से महफूज फरमा, कब्र की दहशत और वहशत से महफूज फरमा, कब्र के कीड़े मकोड़ों से महफूज फरमा, कब्र के अंधेरों से महफूज फरमा। ऐ करीम अल्लाह क़यामत के दिन की ज़िल्लत रुसवाई से बचा, उस दिन अपने नबी की शफाअत नसीब फरमा, हौज़े कौसर नसीब फरमा, पुल सिरात का मामला आसान फरमा। अल्लाह जो उलमा जो हमारे भाई दीन की खातिर, तेरे इस्लाम की खातिर, तेरे नबी की खत्म नबूवत की खातिर, अल्लाह तेरे नबी की नामूस रिसालत की खातिर, तेरे नबी के सहाबा की इज्जत और अजमत की खातिर, अल्लाह जेलों के अंदर है अल्लाह उनको जल्दी रिहाई अता फरमा, जो शहादत के जाम नोश कर गए हैं अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। ऐ करीम रहीम अल्लाह मेरा भाई भी शहादत का जाम नोश कर गया, अल्लाह उसके दर्जात भी बुलंद फरमा। अभी मेरा चचाजाद भाई, खलादाद भाई, आलिम बामल मुफ्ती मोहम्मद हुसैन अहमद इरफान, अल्लाह अभी जो जवानी में फौत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। जो जो उलमा हुफाज कुर्रा फौत हो गए, अल्लाह सबकी जन्नत सबकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, जन्नत का लिबास अता फरमा, जन्नत का ताम अता फरमा। ऐ करीम अल्लाह हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा। अल्लाह हमारी उम्रों में बरकतों के साथ हमारा खात्मा ईमान पे फरमा। अल्लाह जिस वक्त दुनिया से रुखसत हूँ हमारी जबान पे जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाईही व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक या रहमान।